ब्यूटी टिप्स सुनना ना भूलिएगा, बहुत फायदेमंद वाला ब्यूटी टिप्स। ए मेरा सिर में दर्द हो रहा है, म्यूजिक बंद कर। ओ, 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 ओ मैं अगर आ गई तो म्यूजिक सिस्टम टूटने वाला है, देखना। सोए ही रहा करो, जल्दी उठ के भी कोई फायदा नहीं है मुझे तंग करने के लिए। नंबर वन, अरे कितना जोर से म्यूजिक म्यूजिक चला के पढ़ाई हो रही है, ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चाय के साथ और लड़ाई के साथ आज का दिन का शुरुआत करते हैं। आज दोनों बच्चे उठ गए हैं सुबह सुबह, दोनों मेरा दिमाग खराब करके रखा है। इतना लाउड म्यूजिक चला के दोनों रखे हैं। अनुष्का के 8th के बुक्स आ गए हैं, वो पढ़ रही है, सब पढ़ाई शुरू हो चुके हैं, इसलिए सब सुबह उठ चुके हैं मेरे दिमाग खराब करने, मेरे जान खाने के लिए। और इधर आधा खाना बन चुका है, कल जो मैं पर्फूल लाई थी उसके देखो पकौड़े भी बन चुके हैं। कैसा है ये, हमने चाय के साथ भी सुबह सुबह खा लिए, थोड़े बहुत रखे हैं। ये लंच के साथ चावल के साथ खाएंगे। तो आज का लंच है सांभर। मैं कल दाल बोल रही थी पर वो दाल बना नहीं था, कल अंडा बना था, तो वो दाल आज बना है, सांभर के रूप में बना है वो दाल। कल लंच तो दिखाना बनता है, जो कि रोज का काम है मेरा। तो चलिए देखते हैं सांभर। इसमें चावल और पकौड़ी है, ये कल की चावल। डोसे के लिए इडली बनाऊंगी। इडली खाना है वो इडली खाएगा, जैसे चावल के साथ सांभर चावल खाना है सांभर चावल खाएगा। मेरा बेटा इडली नहीं खाता, वो चावल खाएगा। मेरे हस्बैंड भी इडली नहीं खाते, मैं और अनुष्का इडली खाएंगे, बाकी बाप बेटे चावल खाएंगे। और ये देखो इसके फूल मैंने ले लिए हैं, ये पत्ते रहा, ये पत्ते भी मैं बनाऊँगी। ये तो पेट के लिए पत्ते तो बहुत अच्छा है, जिसको कब्ज़ की प्रॉब्लम है पेट के, तो ये पत्ते को खाएँ तो उसका कब्ज़ अच्छा हो जाएगा। मतलब इस पत्ते को बॉईल करके इसका पानी भी पियेंगे तो पेट के लिए बहुत अच्छा है। कब्ज जिनको होता है उनके लिए ये काम। कुछ भी नहीं हुआ, घर ऐसे ही पड़ा है आज। कल तो इतनी सफाई की थी, आज कुछ भी नहीं किया। अभी सफाई करना है, नहाना है, अभी बहुत काम बाकी है। आज से उन्होंने अपने न्यू क्लास की पढ़ाई शुरू कर दी, तो उनके लिए मैं कुछ लाई हूँ अभी देने वाली हूँ, उनको पता नहीं है। मैं ब्लू वाला नहीं, कौन सा बड़ा है नहीं, रुको। हाय भगवान, मुझे देना है नहीं जेरे। अब पेट में जाके बड़ा हो जाएगा। बोलू की पढ़ाई कर रहे। और रैपर डस्टबिन में जाना चाहिए, रैपर अगर मुझे उड़ा हुआ कहीं भी मिला ना उसी समय में रैपर कहाँ। खाया हुआ ही पहले नहीं। मेरा घर का काम हो चुका है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। आज मेरा मुंह थोड़ा सूजा सूजा लग रहा है, थायराइड की वजह से। तो मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, हो गया मेरा नहाना। आज पूजा हस्बैंड ने दे दिया, क्योंकि मैं आज काफ़ी लेट हो गई, 4 बजने वाले हैं, क्योंकि आज देर से काम शुरू किया था। और ज़्यादा काम नहीं किया फिर भी इतने लेट हो गई, क्योंकि शुरुआत ही लेट ही किया था। तो झाड़ू पोछा जो मेन काम है मेरा वो तो कर ही लिया मैंने। और कल जो मैंने सारे भिगो के रखे थे, मैंने कहा था ना 1 टब मैंने भिगो के रखा है, तो वो भी धोने में लग गई, नहाने गई थी तो उसको भी साथ में धो दिया। कल नहीं धो पाई थी, कल बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आज धो दिया मैंने उसका, मैंने नहा लिया। अब मैं खाऊँगी खाना, 4 बजने वाले, थोड़ा ही खाऊँगी, ये तो बदहजम हो जाएगा, हजम नहीं होगा। चलो मैं खाना खा लेती हूँ, और ये ब्लॉग मेरा कब ऐड करूँगी, कब एडिटिंग करूँगी, पता नहीं कब जाएगा, पता नहीं। तो सुबह से लेट, वही लेट उठो, लेट उठा नहीं, टाइम से उठे हैं लेकिन वही शुरुआत लेट हुआ। बैठे थे तो गप्पे कर रहे थे, फिर अनुष्का के बुक्स आए थे वो सारे देख रही थी, तो इन सब चीज़ों में हो गया लेट।
तो चलो ज़्यादा बातें ना करके फटाफट खाना खा लेती हूँ। इडली खा रही हूँ, इडली नहीं बनाई क्योंकि अनुष्का ने बोला मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं रात को खाऊंगी। तो मैंने कहा फिर मैं अपने लिए क्यों बनाऊँ, फिर रात को ही बनाऊंगी एक साथ। तो मैं अभी चावल और सांभर और वो फूल वाली पकौड़ी खा रही हूँ, रात को बनाऊंगी क्या इडली। तो मेरा खाना पीना हो गया है, अभी बज रहे हैं 4:30, अब 5 बजे बच्चे आएंगे डांस के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल फिर हाजिर हो जाऊँगी सारा दिन की खबर लेके आपके पास। तो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और ब्यूटी टिप्स सुन के तब जाना। फ्रेंड्स, आज का ब्यूटी टिप्स है हम अपनी स्किन को टाइट कैसे रखें। तो उसके लिए मैं एक अच्छी से आपको एक फेस पैक बताती हूँ। तो ये फेस पैक बनेगा मसूर की दाल के साथ। मसूर की दाल को आप, सूखा मसूर की दाल को आप मिक्सी में पीस लीजिए, उसको पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच मसूर की दाल के अंदर 1/2 चम्मच शहद डालिए और 1/2 चम्मच डालिए हल्दी और उसको अच्छे से मिलाइए। मिला के अपने फेस में लगाइए, ऊपर की तरफ से लगाइए। लगा के आप इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद हल्के हाथ को गीला करके हल्के हाथों से उसको रब कीजिए। रब करके उसको धीरे धीरे उसको निकालिए। निकालने के बाद हल्के वार्म वाटर से आप स्किन को धो लीजिए, फिर देखिए आपकी स्किन कितनी टाइट होती है। तो कैसा लगा मेरा ये ब्यूटी टिप्स कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।